अच्छी की बात क्या है, पूरे हरियाणा के अंदर ही हुई है। हिसार के अंदर देख लो आप, कोई अलग स्टेशन हरियाणा में बना दो, कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति, आम जनता सुरक्षित है? किसी का माल बरामद हुआ? रोड लूटपाट, रोड प्रॉपर्टी, यहाँ तक की चोरियां, हत्या तक। सरकार को बदनाम करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए षड्यंत्र भी हो सकता है। बिल्कुल है, चिंतित है, ये बहुत दुख घटना है। बिल्कुल दुख घटना है ये, और पूरी इस बारे में विजय सर्वपर मंडल की मीटिंग बुला के इसका पूरा चिंतन करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे इन हालातों में। 10 साल से यहाँ जो है इतना पीड़ित थे व्यापारी, फिरौतियाँ जाती थी सारे शहर से, हमने संघर्ष किया है उसके लिए और उस संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज उसी वो पैटर्न शुरुआत लग रही है, ऐसी शुरुआत लग रही है। अब पीछे सैकड़ों चोरियाँ हो चुकी है, चोरी बरामद नहीं हो रही, प्रशासन आराम से सोए हुए हैं। राजीव शर्मा भी हैं, बीजेपी के नेता हैं, व्यापार मंडल से। इस घटना की हम निंदा करते हैं। सर व्यापार मंडल को भी सभी व्यापारियों के साथ हमेशा ही संघर्ष की मुहिम में साथ रहा है, और हम इस दुकानदार के साथ, इन व्यापारियों के साथ। इस तरह की घटनाएं होती है तो प्रशासन और सरकार को चाहिए कि तुरंत ही ऐसे असामाजिक तत्वों को फेलो, ये पुलिस प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। मैं फिर चेतावनी देता हूं पुलिस को, या तो अपनी कार्य प्रणाली पर सुधार करे, वरना हांसी का एक एक बच्चा, एक एक व्यापारी रोड के ऊपर पुलिस के विरुद्ध होगा। कल सर कोई पुलिस का अधिकारी आया? DSP आया था, आते आकर के फॉर्मेलिटी करके जाते। हमारे को आने से और ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को बदमाश चाहिए, हमारे को क्राइम पे कंट्रोल चाहिए, हमारे को ये पता होना चाहिए ये बंदा कौन है, उसको अरेस्ट करना चाहिए। आने से क्या फर्क पड़ता है? आकर के अपने स्टाफ को डायरेक्शन देना। अरे कितना स्टाफ है? 1100 कुछ। जिस हांसी के अंदर 50-60 का स्टाफ होता था, हांसी जिला बनने के बाद 1100 से ऊपर का संख्या के अंदर आज पुलिस कर्मचारी काम करते हैं। 5-5, 4-4, 4-5-5 DSP हांसी है, SP है, 16-16, 17-17 इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, और फिर भी जो है पुलिस नाकामयाब है। और इससे ज़्यादा क्या फेल्यूर होगा? कोई हांसी बढ़ गया क्या? हांसी तो उतने का ही उतना है, और पुलिस की संख्या 60 से 1100 होगी, और फिर इतनी वारदात, इससे ज़्यादा पुलिस फेलियर क्या होगी?